सेक्शन। तो जैसा आप पावर सेक्शन के अंदर देखेंगे, एक चीज चेक कर सकते हैं आप, चार्जर लगा के आउटपुट चेक कर सकते हैं या नहीं, डीसी लगा के पावर की कुछ शॉर्ट करके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं या नहीं, बैटरी लगा के पावर की को शॉर्ट करके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्या इनपुट दे रहे हैं अपन, चार्जर इनपुट दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं अपन यहाँ इनपुट? चार्जर दे रहे हैं। तो जैसा चार्जर लगा दिए तो फर्स्ट अपने को क्या एंट्री होना चाहिए? वी बस, ठीक है। वी बस का कितना वोल्ट बनना चाहिए अपने को? 5 वोल्ट। तो पहले चेक करेंगे वी बस का 5 वोल्ट यहाँ अपने को, यहाँ चार्जिंग एसी पीएमआई एसी के पास अपने को वी बस का 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। जैसे यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है तो जैसा आईसी को इनपुट मिल गया तो आईसी क्या बनाना स्टार्ट कर देता भाई? वीपीएच। क्या बनाना स्टार्ट कर देता? वीपीएच। तो यहाँ चेक करेंगे वीपीएच के पास जाके चेक करेंगे वीपीएच का वोल्टेज बन रहा क्या। तो एक बार फिर से निकाल के लगाओ, चार केबल दूसरा ले लो अगर बनाए तो। हाँ, कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो यहाँ चेक करेंगे अपने को VPH का वोल्टेज कितना बन गया? 3.60 वोल्टेज बन गया। 3.60 से लेके कितना बनाना चाहिए अपने को? 4.20 तक। चलो VPH भी अपने को बन गया। जैसा VPH बन गया और यहाँ देखेंगे बूट कैप के ऊपर, उसके बाद क्या चेक करेंगे अपन? बूट कैप के ऊपर, बूट कैप के ऊपर कितना वोल्टेज बनना चाहिए अपने को? एक तरफ 4 वोल्ट बनना चाहिए और एक तरफ कितना बनना चाहिए? 8 वोल्ट बनना चाहिए। तो चेक करेंगे बूट कैप के ऊपर, यहाँ देखेंगे बूट कैप यहाँ लगा हुआ है तो बूट कैप के ऊपर जाके चेक करेंगे अपन यहाँ 4 वोल्ट और 8 वोल्ट बन रहा क्या। तो यहाँ देखेंगे एक तरफ 3.60 वोल्टेज बन रहा है और एक तरफ कितना बन रहा है अपने को? 8 वोल्ट बन रहा है। कितना बन रहा है? 8 वोल्ट बन रहा है। मतलब यहाँ भी अपने को जो है ये ओके है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट हो गया और 8 वोल्ट बन गया, मतलब ऐसे यहाँ स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे अपन? सिस्टम ओके। और सिस्टम ओके चेक करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता भाई? पावर आईसी का जो कंट्रोल सेक्शन के अंदर। पावर आईसी ओपन कर लेंगे, यहाँ देखेंगे U1501 पावर आईसी है। क्या ये? U1501 पावर आईसी है। और इसके अंदर U1501 एंट्री करेंगे, U1501 जैसा एंट्री कर दिए यहाँ आ गया मेरे को पावर आईसी का। और जैसा पावर आईसी का यहाँ आ गया मेरे, क्या चीज आ गया इसका? सारा बक सेक्शन आ गया, सारा कॉइल्स कनेक्टेड है। अब इसको नेक्स्ट कर लिया मैं, जैसा नेक्स्ट कर लिया तो यहाँ आ गया मेरे को इसका कंट्रोल सेक्शन आ गया। और यहाँ चेक करेंगे सिस्टम ओके पीएमआई 8952। क्या आ गया मेरे को? सिस्टम ओके पीएमआई 8952 आ गया। और इसके ऊपर एक टीपी पॉइंट भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? टीपी पॉइंट। तो टीपी पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज बनना है अपने को? 1.8 की वोल्टेज। तो यहाँ टीपी पॉइंट के पास जाके चेक करेंगे यहाँ 1.8 की वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ जाके चेक करेंगे यहाँ अपन 1.8 की वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। देखेंगे ये टीपी पॉइंट है किधर, जो पावर आईसी के बगल में एक छोटा सा डायोड लगा हुआ है, डायोड के नीचे के तरफ, ऊपर के नहीं नीचे के तरफ। तो यहाँ बन रहा है अपने को 1.8 की वोल्टेज, मतलब मेरा पीएमआई 8952 यहाँ क्या है ये ओके। तो जैसा यहाँ से वीपीएच जो बन गया मेरे को पावर आईसी को जो क्या होना चाहिए? इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे पावर आईसी के अगल बगल में आपको कितने कॉइल दिख रहे हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 कॉइल दिख रहे हैं, 7 बार क्या होना चाहिए यहाँ अपने को? कैप्स के ऊपर इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ ये सारा कैप के ऊपर चेक करेंगे 3.60 से लेके 4.20 का वोल्टेज। तो यहाँ देखेंगे यहाँ अपने को यहाँ मिल गया 3.60 और उसके बगल में देखेंगे यहाँ भी अपने को 3.60 यहाँ भी मिल गया। और उसके बाद देखेंगे यहाँ भी अपने को 3.60 मिल गया। और उसके बाद नेक्स्ट करके देखेंगे यहाँ भी मिल गया अपने को। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करके देखेंगे यहाँ भी मिल गया। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करके देखेंगे यहाँ भी अपने को सारा वोल्टेजेस मिल गए। तो वीपीएच यहाँ इसी को क्या हो रहा है? ये इनपुट हो रहा है।
जैसा वीपीएच मिल गया मेरे को सिस्टम ओके का मिल गया 1.8, तो ऐसी क्या करना चाहिए यहाँ आउटपुट बनाना स्टार्ट करना चाहिए। पहले बनेगा अपने को कॉइल पावर, क्या बनेगा कॉइल पावर। तो सारा कॉइल के ऊपर जाके चेक करेंगे यहाँ जितने भी कॉइल लगे हुआ है। तो पहले ये देखेंगे यहाँ डायग्राम के अंदर ओपन करेंगे यहाँ इसका जो बग सेक्शन के अंदर विरेज वन के अंदर जाएंगे U1501 या नेक्स्ट करेंगे तो ये आ गया इसका ग्राउंड पॉइंट, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ये आ गया इसका GPIO का और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यह आ गया इसका कंट्रोल का ही नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे यहाँ आ गया कोडाक, ये भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और उसके बाद ये आ गया LDO सेक्शन, इसका भी अभी चेक करना नहीं है। तो अब आ गया मेरे को यहाँ VPH पावर, और जहां VPH पावर आ गया तो सारा चीज सारे कैप के ऊपर यहाँ लगा हुआ है। देखो यहाँ कैप जो है जितने भी कैप चेक करे अपन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने कैप आ गए अपने को 7 कैप आ गए। और यहाँ देखेंगे यहाँ इसका ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड किधर से ले रहा है ये कैप के ऊपर से ही ले रहा, किधर से ले रहा है ये कैप के ऊपर से ही ले रहा। और ये वाला सारा कैप के ऊपर, ये सारा जितना भी कैप दिख रहा है इसके ऊपर का ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है अपने को, ठीक है। यहाँ ग्राउंड अगर नहीं मिल रहा मतलब एक पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव क्या हो गया ये मिस हो गया, इस कंडीशन के अंदर भी पावर अपना आउटपुट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे या नहीं, अगर मेरे को ये एक मिस हो गया तो इसका ही जो इनपुट मिस हो रहा है उसका आउटपुट मिस हो सकता, या नहीं तो पावर पूरा बंद हो सकता, या नहीं तो तुम्हारे फ्लक्चुएशन के अंदर आ सकते, ठीक है, या नहीं तो सारा वोल्टेजेस बन के एक वोल्टेजेस बनना मिस हो सकते, ठीक है। तो पहले ये चेक करना जिसका सारा इनपुट वोल्टेजेस मेरे क्या हो गया इधर ओके हो गया पावर का। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे अपन यहाँ कॉइल्स के अंदर जाके चेक करेंगे, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है अपने को S1 के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है 0.86, कितना बता रहा है डायग्राम के अंदर 0.86 बता रहा है। और ये वाला S1 का कॉइल का नंबर जो है L1602, क्या है नंबर इसका L1602। तो यहाँ देखेंगे L1602 है किधर, ये देखो ये वाला L1602। तो यहाँ देखेंगे इसका नेक्स्ट करके ये चेक करेंगे ये क्या चीज के लिए जा रहा है, ठीक है, क्या चेक करेंगे ये क्या चीज के लिए अपने को वर्क कर रहा है। यहाँ जाके इसको क्या करेंगे नेक्स्ट करके देखेंगे, जैसा नेक्स्ट कर दिए तो यहाँ आ गया मेरे को VDD मॉडम, क्या गया ये VDD मॉडम। तो यहाँ जाके चेक करेंगे मॉडम के ऊपर यहाँ अपने को कोई वोल्टेज नहीं बनेगा जब फोन डेड कंडीशन के अंदर है, ठीक है, जब बनेगा यहाँ अपने को फोन ऑन करने के बाद। तो यहाँ चेक करेंगे यहाँ कोई वोल्टेज अपने को, यहाँ कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज अपने को नहीं बन रहा है, चलो भाई ये ओके है अपने को। और यहाँ शॉर्टिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं बना डेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, और एक कॉइल कौन सा लगा हुआ है अपने को S2 का 0.86 का, कितना आ रहा है ये भी अपने को ये वाला कॉइल को ले लेंगे और लेआउट के अंदर चेक करेंगे ये कॉइल है किधर, तो यहाँ आ गया इसका मॉडम का बगल में ही। और ये वाला कॉइल को ये चेक करेंगे ये क्या चीज के लिए दिया हुआ है, 0.80 का वोल्टेज तो बन रहा है, अब इसको नेक्स्ट करके देखेंगे क्या वोल्टेज है ये कौन सा चीज के लिए बन रहा है, तो कोर के लिए बन रहा है, क्या चीज के लिए बन रहा है भाई कोर के लिए बन रहा है। तो यहाँ अपने को 0.80 वोल्टेज बनना चाहिए, बनना चाहिए या नहीं, तो यहाँ चेक करेंगे अपने को 0.80 का वोल्टेज बनना चाहिए, यहाँ चेक करेंगे 0.80 का वोल्टेज अपने को यहाँ बन रहा है प्रॉपरली, मतलब कोर का वोल्टेज क्या है अपने को ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जाके चेक करेंगे, यहाँ लगा हुआ है S3 1.25 का क्या आ रहा है ये 1.25 का वोल्टेज है, ये है अपना लोअर LDO, क्या ये लोअर LDO। तो यहाँ जाके चेक करेंगे L1604 का कॉइल किधर है ये, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जाके ये ऊपर के तरफ है, किधर है ये ऊपर के तरफ यहाँ है, तो ये कॉइल के पास चेक करेंगे यहाँ बनना है अपने को
1.20 वोल्टेज बन रहा है यहाँ, ये भी अपने को जो है लोअर एलडी वो भी बन रहा है, ये भी अपने क्या है ये ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जाके चेक करेंगे अपन, यहाँ इसके नीचे आ रहा है अपने को यस 4 2.5 वोल्टेज, मतलब ये हो गया अपना हायर एलडीओ का, क्या हो गया ये हायर एलडीओ। जैसा यहाँ देखेंगे ये वाला कॉइल किधर है, तो यहाँ सर्च कर दिए तो ये वाला कॉइल किधर है L1605 इधर है, तो यहाँ कितना वोल्टेज बनना चाहिए भाई अपने को 2 वोल्ट बनना चाहिए, तो 2 वोल्ट बन रहा है ये भी ओके अपने को ठीक है। लोअर एलडीओ भी बनाया, हायर एलडीओ भी बन रहा है और कोर भी बन गया अपने को। और उसके बाद नेक्स्ट जाके देखेंगे अपन, उसके बाद नेक्स्ट जाके देखेंगे यहाँ S5 और S6 ये दो भी एक ही के ऊपर कनेक्टेड है, एक ही लाइन के ऊपर S5 और S6 दो भी कनेक्टेड है, और L1606 और L1601। और यहाँ जाके चेक करेंगे L1606 के ऊपर जाके चेक करेंगे, यहाँ पेश कर दिए और नेक्स्ट कर दिए, तो ये वाला कॉइल के ऊपर यहाँ अपने को 0.80 वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ भी अपने को 0.80 वोल्टेज मिल रहा है ठीक है। मतलब एक कॉइल के ऊपर चेक करें तो भी जो है नेक्स्ट वाला कॉइल के ऊपर भी चेक करें सर खाइए ठीक है, वहां भी अपने को सेम वोल्टेज वही वोल्टेज इधर बगल वाला होगा ठीक है। तो उसके 1607 पे भी अपने क्या है 1606 07 पे भी अपने को वोल्टेज बन रहा है, ए बी लाइन क्या है अपने को ओके। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्या चीज के लिए बन रहा है इसको जरा एक बार क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे, तो ये होगा तुम्हारा एपीसी का, देखेंगे इसको नेक्स्ट करके देखेंगे। यहाँ आ गया मेरे को क्या गया ये एपीसी का सप्लाई, क्या गया ये एपीसी का वोल्टेज 0.80 ये भी बन रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसको नेक्स्ट करके फिर जो है अपना कॉइल के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ और एक कॉइल लगा हुआ है अपने को S7 का, क्या लगा हुआ है ये S7 का, तो इसको जाके सेलेक्ट करेंगे और कितना वोल्टेज बता रहा है 0.90 का वोल्टेज। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, ये क्या चीज के लिए जा रहा है यहाँ जाके देखेंगे, आगे जाके EBI के लिए एक्सटर्नल बस इंटरफेस के लिए जा रहा है जो रैम के लिए, तो यहाँ जाके चेक करेंगे यहाँ अपने को कितना बनना है अपने को 0.9 वोल्टेज जो मेमोरी के लिए ठीक है। तो यहाँ जाके चेक करेंगे सी इसके ऊपर जाके चेक करेंगे ये वाला कॉइल के ऊपर, इसके ऊपर अपने को बनना कितना वोल्टेज बनना भाई 0.90 वोल्टेज, कॉइल का नंबर क्या है L1607 के ऊपर जाके चेक करेंगे, इसके नीचे बगल में ही है तो 0.90 वोल्टेज यहाँ भी अपने को बन रहा है, मतलब ये भी क्या है अपने को ओके। अब अपना इतना सारा वोल्टेजेस बना दिया, इतना सारा वोल्टेजेस बना दिया अपना, सारा कॉइल पावर चेक करने का प्रोसेस क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया ठीक है। जैसा कॉइल पावर बन गया ठीक है, कॉइल पावर बन गया, तो अपने को ये वाला हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ और साथ में VPH, साथ में क्या मिलेगा VPH मिलके इसी IC के अंदर जाके अपने को क्या सेक्शन ऑन करेगा LDO सेक्शन। अब चेक करना क्या है अपने को LDO सेक्शन चेक करना है, तो जैसा LDO सेक्शन चेक करने के लिए और यही वाला IC का जो है और एक पार्ट के अंदर जाएंगे अपन, यहाँ इसका नीचे के अंदर आ गया मेरे को इसका LDO सेक्शन, और यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है अपने को 1.25 का लोअर LDO इनपुट हो रहा है, इनपुट क्या हो रहा है ये 1.25 का लोअर LDO इनपुट हो रहा है, फिर S3 आ गया 1.25 का फिर एक बार आ गया, और उसके बाद S4 का हायर LDO आ गया, क्या आ गया हायर LDO आ गया, और उसके बाद क्या आ गया भाई VPH, क्या गया VPH और एक बार एंट्री कर दिया यहाँ, यहाँ बाहर की तरफ कोई कैप तो नहीं है, कोई कैप नहीं है कुछ नहीं है चेक करने के लिए, ये अगर इसको चेक करना है तुम तो IC रिमूव करके चेक करना, क्या चेक करना IC रिमूव करके चेक होगा। और यहाँ देखेंगे इसका सारा अगर ये नहीं आउटपुट चेक कर लिए तो हो जाता अपने को, और यहाँ देखेंगे इतने सारा मिलके कितने LDO बन रहा है अपने को, कितने बन रहा है पूरा 23 L1 से लेके कितने वोल्टेजेस बन रहे हैं अपने को L23 तक, तो L23 तक जितने भी कैप्स है पहले ये चेक कर लेना
जितने भी कैप कनेक्टेड है, ये सारा कैप के ऊपर क्या करना है, आपको कूल टेस्ट करना है। क्या करना है? कूल टेस्ट करना है। जैसा कूल टेस्ट के अंदर कोई भी कैप के ऊपर अपने को शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ 23 लाइंस है, क्या 23 लाइंस अपने को सारा वोल्टेज बनना रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, नहीं। कितना बनना रिक्वायरमेंट है अपने को? कितना बनना मेरे को? जो फोन को ऑन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, कितना बनना चाहिए? फोन को ऑन करने के लिए। बाकी का जो है अपना सेक्शंस के लिए जो वर्क करते हैं, जैसे देखो WDR को जा रहा है कोई वोल्टेज 1.0 का वोल्टेज, कितना जा रहा? WDR को जा रहा है वो वोल्टेज, तो जब फोन ऑन करेंगे तभी जाके बनेगा। ठीक है, ऑटो डेट के अंदर मेरे को चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मगर शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। जस्ट कूल टेस्ट तो अपन कर लेना पहले ही, अगर ये वाला लाइन के अंदर अगर शॉर्टिंग होगा तो अपने को फोन ऑन करने के बाद जो है फर्स्ट लोगो के अंदर ऑफ होगा या रिस्टार्ट मारना शुरू कर देगा। क्या करेगा ये? फर्स्ट लोगो के अंदर आके बंद हो जाएगा, या नहीं तो ये फोन रिबूट करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले ये चेक करेंगे एक एक लाइन को जाके। क्या चेक करेंगे भाई? एक एक लाइन को, 23 लाइंस है, 23 लाइंस को जाएंगे ने, एक एक लाइन के ऊपर क्या करेंगे अपन? वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहां देखेंगे, यहां L1 के ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे? L1। और जैसा L1 के ऊपर गए तो L1 का जा रहा किधर? ये जो अपना WTR के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? ये WTR। तो ये वोल्टेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? फोन ऑन नहीं है, ऑन होने के बाद बनने वाला वोल्टेज है। तो यहाँ चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। ओनली GR वैल्यू अगर चेक कर लिए तो ठीक है, जब जाके चेक करेंगे ये कुछ अदर इशू के अंदर। ठीक है, इन लोगों को कब चेक करेंगे अपन? कुछ अदर इशू के अंदर चेक करेंगे। अभी तो इसको चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ कोई वोल्टेज बनेगा नहीं। और चेक करना है आपको तो चेकिंग भी करेंगे साथ ही साथ, जो है यहाँ ये वाला कैप है, ये वाला कैप के ऊपर जाके आप चेक भी करके बताता हूं मैं। तो यहाँ देखेंगे ये वाला जो कैप है WTR के बगल में है। ठीक है, WTR के बगल में शील्ड है। हाँ, चलो तो दूसरी जगह देखता हूं, ये वाला कैप के ऊपर यहां नहीं तो ये डायग्राम के ऊपर IC के बगल में ही मिल जाएगा अपने को। डायग्राम के अंदर जाके नेक्स्ट जाके चेक करेंगे। तो इसी लाइन के अंदर यहां कनेक्टेड है, कैप कनेक्टेड है, देखो यहां दिख रहा है ये L1 के ऊपर, यहां जो कैप कनेक्टेड है दिख रहा है ये, सीधा आप नीचे चले जाना। जैसा नीचे चले गए तो यहां अपने को कैप दिख गया C1702। तो C1702 को ले लेंगे, यहां से C1702 को यहां सर्च करेंगे और दिख गया ये पावर IC के बगल में ही है। तो यहां जाके चेक करेंगे यहां कोई वोल्टेज बन रहा क्या, यहां जाके चेक करेंगे यहां कोई वोल्टेज बन रहा क्या, इधर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। ये कब बनेगा वोल्टेज? अपने को फोन ऑन करने के बाद। ठीक है, कब बनेगा भाई? मोबाइल ऑन करने के बाद। जो नेटवर्क कब चलता अपने को? फोन ऑन करने के बाद चलता। तो इसका कोई रिक्वायरमेंट अपने को बेड के अंदर चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, और यहां देखेंगे नेक्स्ट जाके देखेंगे, और यहां देखेंगे अगर कोई इनपुट आउटपुट का वोल्टेज देके अगर रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, यहां 1.0 वोल्टेज दिया हुआ है। देखो दिख रहा है ये, मतलब ये वाला वोल्टेज बनेगा क्या? अगर बंदा है, अगर ये देख के अगर कोई रिपेयर कर रहा है तो इसके ऊपर वोल्टेज बनेगा क्या? शॉर्टिंग तो चेक कर सकते, क्या कर सकते? शॉर्टिंग तो चेक कर सकते, मगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा जब तक उसको डायग्राम प्रॉपरली देखना नहीं आया। ठीक है, जब समझ में आएगा ये वोल्टेज तो हमारा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट जाके देखेंगे L2 वाला सप्लाई, कौन सा देखेंगे? L2। और L2 का वोल्टेज कितना है भाई? 1.1 वाला वोल्टेज है। तो यहां जाके देखेंगे L2 का 1.1 वाला वोल्टेज क्या चीज के लिए जा रहा है मेरे को? कैमरा के लिए, CSI के लिए। दिख रहा है ये मिपी का CSI है, ये कैमरा का है। तो कैमरा चलता मेरे को मोबाइल ऑन होने के बाद।
तो इसका भी कोई रिक्वायरमेंट अपने को नहीं। है नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यल थ्री का 0.90 का, और नेक्स्ट करके देखेंगे ये किधर जा रहा है अपने को, ये जा रहा है वीडीडी डीएसआई पीएलएल के लिए जा रहा है, बेस लूप लॉक के लिए। तो यहां चेक करेंगे, यहां ये वोल्टेज बनना जरूरत है अपने को, यहां चेक करेंगे C1102 के ऊपर, यहां जाके चेक करेंगे ये वाला कैप के ऊपर, यहां नेक्स्ट करके चेक करेंगे, यहां देखेंगे 0.90 वोल्टेज बनना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई 0.90 वोल्टेज। तो चेक करेंगे यहां ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट के ऊपर जाके चेक करेंगे, यहां अपने को 0.90 वोल्टेज बन रहा है, मतलब ये वाला भी लाइन क्या है मेरे को ओके। और यहां नेक्स्ट देखेंगे, इसको बंद ही कर देता हूं, इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, इसको यल थ्री तक देखे अपन किधर तक गए मेरे भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट जाके देखेंगे यल फोर, क्या देखेंगे यल फोर, और यल फोर के अंदर यहां जाके चेक करेंगे यल फोर को, नेक्स्ट करके देखेंगे तो ये जा रहा किधर, ये अपने को ये जीपीएस लैन के लिए जा रहा है, इसका कोई रिक्वायरमेंट अपने को है नहीं। तो यहां नेक्स्ट करके देखेंगे, फिर जाएंगे यहां किस चीज के लिए जा रहा है, ये WTR के लिए भी जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा है ये WTR के लिए जा रहे हैं, ये भी अपने कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये कब बनेगा भाई ये ऑन करने के बाद बनेगा, अब तो कोई रिक्वायरमेंट इसका है नहीं। उसके बाद देखेंगे L5 जो है बहुत सारा जगह जा रहा है, L5 क्या आ रहा है ये बहुत सारा जगह सर्किट के अंदर जो है 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25 बहुत सारा जगह जा रहा है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। तो यहां जाके चेक करेंगे L5 के ऊपर, यहां जाके चेक करेंगे L5 के ऊपर, L5 के ऊपर यहां एक कैप लगा हुआ है, तो यहां ये वाला कैप के ऊपर C1706 देखेंगे, C1706 है किधर, तो यहां मिल गया मेरे को C1706 वाला कैप, यहां इसका चार्जिंग आईसी का ऊपर के तरफ किधर मिल गया, चार्जिंग आईसी का ऊपर के तरफ मिल गया, तो यहां मेरे कितना बनना चाहिए 1.8 की वोल्टेज बनना चाहिए, तो यहां बन रहा है अपने 1.8, मतलब L5 वाला वोल्टेज भी क्या है ये ओके। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे L6, क्या देखेंगे L6 का 1.8 वाला वोल्टेज है, तो यहां देखेंगे L5 का ये वाला वोल्टेज जो जा रहा है अपना सीपीयू के लिए जा रहा है, HDM450 के लिए जा रहा है, मतलब यहां भी अपने को वोल्टेज कितना बनाना चाहिए 1.8 की वोल्टेज। यहां देखेंगे ये वाला कैप के ऊपर जाके देखेंगे, ये वाला कैप के ऊपर अपने कितना वोल्टेज बनाना चाहिए 1.8 की वोल्टेज, तो जाके चेक करेंगे ये वाला कैप के ऊपर, देखो थोड़ा ऊपर करो, हाँ क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने को 1.8 की वोल्टेज बन रहा है इधर, दिख रहा है ठीक है, ये भी बन गया अपने को। और उसके बाद नेक्स्ट जाके देखेंगे कौन सा वोल्टेज देखना है अपने को नेक्स्ट, L6 तो अभी देखे अपन, L7 देखना है, तो L7 जाके देखेंगे इसको, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो L7 का वोल्टेज देखेंगे, और L7 के अंदर भी कितना वोल्टेज है भाई ये 1.8 का वोल्टेज। तो अभी नेक्स्ट करेंगे L7 को जाके देखेंगे, यहां USB के लिए, क्या चीज के लिए, और ये वाला वोल्टेज भी 1.8 बनेगा आपको, यहां चेक करना है अपने को, यहां जाके चेक करेंगे, यहां अपने को ये वाला कैप है किधर, इसको देखेंगे लोकेशन, तो ये वाला कैप है इधर जो छोटा सा कुप्पा लगा हुआ है इसके अंदर है, देखो इसके अंदर, तो यहां जाके चेक करेंगे, यहां अपने को 1.8 की वोल्टेज बनना चाहिए, 1.8 बन रहा है अपने को, ये भी अपने को ओके। अब इसके बाद इसे क्या प्रॉब्लम आता तुम्हारे पता है, ठीक है सबको तो बताना नहीं है, जब क्लास में आएंगे जब बताएंगे ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
यल सेवन हो गया, उसके बाद क्या चेक करेंगे यल बाद देखेंगे यल एट और यल एट के पास देखेंगे कितना वोल्टेज है 2.9 का वोल्टेज। अब इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, जैसा नेक्स्ट कर दिए तो ये जा रहा है अपना ईएमएमसी के लिए, किसके लिए जा रहा है ये ईएमएमसी U1901 के लिए। तो यहां देखेंगे U1909 यहां देखेंगे क्या है अपना ईएमएमसी है। ईएमएमसी के लिए वीसीसी का वोल्टेज 2.9 वाला वोल्टेज जो जा रहा है ये वाला कैप के ऊपर आप यहां चेक कर सकते हैं, ये भी वोल्टेज अपने को बनाना इंपॉर्टेंट है। तो यहां जाके चेक करेंगे अपने को, यहां जाके यहां कैप के ऊपर यहां वोल्टेज बना रहा है अपने को ये वाला कैप के ऊपर। तो यहां जाके चेक करेंगे यहां अपने को यहां बन रहा है अपने को 2.80 का वोल्टेज, ये भी बन गया, मतलब ये भी क्या है अपने को ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जाके चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे अपन यल नाइन। यहां यल नाइन के ऊपर देखेंगे कितना वोल्टेज है 3.3 और इसको नेक्स्ट करके देखेंगे यल नाइन क्या चीज के लिए दिया हुआ है, जो अपना वैन के लिए दिया हुआ है ये तो अपने कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद यल टेन का देखेंगे क्या है ये यल टेन, उसके बाद यल टेन का नेक्स्ट कर दिए तो क्या चीज के लिए जा रहा है ये 2.8 वाला वोल्टेज, कितना वोल्टेज जा रहा है ये 2.8 वाला वोल्टेज जा रहा है, ये एलसीडी ड्राइवर के लिए जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा है ये सीडी ड्राइवर के लिए जा रहा है, ये भी अपने कोई चेक करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। मगर ये वाला वोल्टेज नेक्स्ट करके देखेंगे इसको और भी नेक्स्ट करेंगे और भी नेक्स्ट करेंगे और चेक करेंगे VREGL10 और नेक्स्ट करेंगे तो ये कनेक्टर के पास भी जा रहा है, एलसीडी कनेक्टर के पास भी जा रहा है ठीक है। और उसके बाद यल 11 का देखेंगे, क्या देखेंगे यल 11। अब यल 11 को चेक करेंगे, यल 11 जा रहा किधर ये यहां अपना एसडी कार्ड डिटेक्शन के लिए जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रही है एसडी कार्ड डिटेक्शन के लिए। अब एसडी कार्ड डिटेक्शन कब होगा, अपन मेमोरी कार्ड लगाएंगे फोन ऑन करेंगे सब करेंगे जब बनना चाहिए, अभी तो कोई रिक्वायरमेंट इसका नहीं है नहीं, तो इसको भी अपन क्या करेंगे स्किप कर सकते या नहीं कर सकते भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ अपने यल ट्वेल्व का सप्लाई देखेंगे, नेक्स्ट करके देखेंगे यल ट्वेल्व का सप्लाई जा रहा किधर ये अपना सीपीयू के लिए, क्या चीज के लिए जा रहा है सीपीयू के लिए, कंट्रोल सेक्शन के अंदर जा रहा है, ये वाला वोल्टेज भी अपने को बनना चाहिए। यहां देखेंगे C1049 यहां कोई वोल्टेज दिया नहीं, दिया क्या इधर, तो यहां देखेंगे कितना वोल्टेज आना चाहिए 2.8 तक, यहां देखेंगे ये वाला कैप के ऊपर नीचे के क्या कितना बन रहा है अपने को 2.8 की वोल्टेज यहां बन रहा है, ये भी लाइन क्या है अपने को ओके। और उसके बाद नेक्स्ट करके देखेंगे यहां यल 13 और यल 13 के ऊपर देखेंगे यल 13 3.75 का वोल्टेज दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है ये 3.75 का वोल्टेज दिखा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा है ये यूएसबी के लिए जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा USB। और यहां चेक करेंगे यहां ये वाला कैप के ऊपर यहां भी बनना चाहिए, कितना वोल्टेज बनना चाहिए अपने को 3.30 तक भी बन गया ओके ठीक है। तो ये वाला कैप के ऊपर देखेंगे यहां अपने को यहां भी बन रहा है अपने को 3 वोल्ट सप्लाई बन रहा है यहां, ये भी अपने क्या है ये 3 वोल्ट का सप्लाई, ये भी अपने को ओके यूएसबी का। और उसके बाद नेक्स्ट जाके चेक करेंगे थ्री वोल्ट का सप्लाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे यहां यल 14 का सप्लाई है, क्या है ये
यल 14 का सप्लाई। तो यल 14 का सप्लाई जो है क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा सिम कार्ड के लिए, क्या चीज के लिए, इसको चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? और उसके बाद यल 15 है, ये भी अपने इसके ऊपर भी क्या है, अपने को सिम 2 के लिए, इसको भी चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, या तो वोल्टेज अपने को नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यल 16, क्या है ये यल 16, और यल 16 को देखेंगे नेक्स्ट करके देखेंगे ये आ रहा किधर, ये क्यू पैड थर्मल के ऊपर आ रहा है, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट अपने को है नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे इसको यल 17, किधर आ गया अपन एल 17, और यल 17 के ऊपर 2.85 का वोल्टेज कितना आ रहा है, ये 2.85 का वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ क्या चीज के लिए आ रहा है भाई, ये अपना कैमरा के लिए, क्या रहा है ये कैमरा के लिए, कैमरा तो कब चलेगा भाई, फोन ऑन करने के बाद। और ये सारा जो फोन ऑन करने के बाद चलने वाले सेक्शन जो है इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं पता है ना आपको, सारा पता है ना किससे लेके क्या इशू आता, ठीक है। तो यहां देखेंगे नेक्स्ट करके देखेंगे, यहां देखेंगे नेक्स्ट यल 18 2.7 वाला वोल्टेज, अब इसको चेक करेंगे यहां अपन, ये किधर आ गया अपने को, यहां नेक्स्ट करके देखेंगे आरएफ स्विच के पास आ गया एक डीआरएस एंटीना के ऊपर, ये भी कोई रिक्वायरमेंट अपने को है नहीं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे अब यल 19, क्या गया अपने को यल 19 का कितना वोल्टेज है, 1.3 का वोल्टेज है। तो यल 19 का वोल्टेज देखेंगे ये भी अपना प्लान के लिए जा रहा है, ये भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और यहां इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे अपना यल 22, क्या गया यल 22 कितना वोल्टेज है भाई, ये 2.8 का। तो यहां चेक करेंगे 2.8 वाला सप्लाई क्या चीज के लिए जा रहा है, कैमरा के लिए जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा है ये, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट अपने को नहीं। है नहीं। और उसके बाद फिर लास्ट वाला बच गया अभी अपने को यल 23 वाला, तो 23 का 1.175 का वोल्टेज है, तो इसको नेक्स्ट करके देखेंगे ये भी क्या चीज के लिए जा रहा है अपने को, ये भी अपना कैमरा के लिए जा रहा है, क्या चीज के लिए जा रहा है ये कैमरा के लिए जा रहा है, तो ये भी अपने कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो कितने वोल्टेज चेक करें अपन, सारा 23 वोल्टेज सब चीज चेक करें एक एक करके, क्या चेक करें अपन सारा चीज चेक करें, सारा वोल्टेज जो है अपने को जितना बनना है उतना वोल्टेज बन गया। अब इतना सारा कुछ चेक कर लिए अपन, उसके बाद अपना पावर सेक्शन का पावर एसी का सारा वोल्टेज लेवल में पावर लेवल के अंदर ये ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे अपन यहाँ पावर एसी का कंट्रोल सेक्शन, क्या चेक करेंगे यहां जाके ओपन करेंगे पावर एसी का कंट्रोल सेक्शन के अंदर, यहां जाके देखेंगे U1501 का यहां आ गया अपना, क्या गया ये अपना पावर सेक्शन का कंट्रोल सेक्शन आ गया। तो यहां देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे यहां अपने को, यहां तो लगा हुआ है यहां क्या अपना क्रिस्टल लगा हुआ है, क्या चीज लगा हुआ है ये क्रिस्टल लगा हुआ है, इसको तो अपन ऑलरेडी देख लिए, इसका कोई रिक्वायरमेंट अभी चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे अपन यहां पीएम फोन ऑन रिसेट एन के ऊपर, यहां देखेंगे इसके ऊपर तो ये मेरे को ये वाला पॉइंट के अंदर कोई कैप तो दिख रहा है, कुछ कैप दिख रहा है क्या आपने को, और यहां देखेंगे इसके ऊपर ये वाला कैप के ऊपर देखेंगे, यहां देखेंगे इसके ऊपर इस लाइन के अंदर कहीं भी अपने को कैप मिलता क्या, ये जा रहा किधर सीधा पीएस होल्ड के ऊपर जा रहा, देखो पीएस होल्ड के ऊपर, यहां देखेंगे यहां एक कैप मिल गया मेरे को C0510, और यहां देखेंगे इसको नेक्स्ट करके देखेंगे ये वाला कैप के ऊपर यहां होना चाहिए पीएम ऑन रिसेट का सप्लाई जो है 1.8 की वोल्टेज, तो यहां जाके चेक करेंगे अपन यहां अपने कितना मिलना चाहिए 1.8 की वोल्टेज, ये भी अपने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये पीएमआई के अंदर भी जाएगा, किधर जाएगा ये पीएमआई के अंदर भी जाएगा। और उसके बाद अपन नेक्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद नहीं चेक करेंगे यहां अपने को
क्लॉक का भी लाइन ओके होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपने को, क्लॉक का भी सप्लाई होना चाहिए। तो कौन सा, स्लीप क्लॉक का सप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, स्लीप क्लॉक का सप्लाई होना चाहिए। तो यहां जाके चेक करेंगे इसका, पहले इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। फिर आ गया अपन इसका कंट्रोल सेक्शन के अंदर, तो यहां जाके चेक करेंगे, यहां देखेंगे स्लीप क्लॉक का, यहां अपने को यहां एक रजिस्टर दिख रहा है, और ये वाला रजिस्टर के ऊपर जाके चेक करेंगे अपन, ये वाला रजिस्टर के ऊपर यहां अपन सीधा चेक करना, क्या चेक करना भाई, यहां सिग्नल चेक करना, क्या चेक करना, सिग्नल चेक करना, और ये रेजिस्टेंस कभी भी ओपन नहीं रहना, क्या नहीं रहना, यहाँ ओपन नहीं रहना। और यहाँ आप वोल्टेज रेंज के अंदर चेक करें तो 0.60 0.80 वोल्टेज मिल जाता आपको। अगर वोल्टेज मोड के अंदर आप चेक कर रहे हैं तो एक बार चेक करो, यहाँ 0.90 का क्या मिल रहा है अपने को, वोल्टेज मिल रहा है। ये भी लाइन अपने क्या है, ये ओके। इसका 32 मेगाहर्ट्ज़ जो है आप किसे चेक करना है, डीएसओ लेके, क्या लेके चेक करना है, डीएसओ से चेक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन, अब इतना कुछ सारा कुछ मिल गया अपने को, क्लॉक भी मिल गया, और यहां देखेंगे यहां बेस बैंड का भी जो है, बीबी क्लॉक का भी है अपने को, यहां देखेंगे नीचे जाके देखेंगे 100 के लिए क्लॉक जा रहा है, और यहां देखेंगे बीबी क्लॉक क्या रहा है, बीबी क्लॉक, और बीबी क्लॉक एनेबल पे भी यहां भी अपने को एक 1.8 की वोल्टेज मिल रहा है। यहां जाके देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर जाके देखेंगे, यहां भी अपने को एक मिरर ऑफ हो गया, यहां भी अपने को एक 1.8 की वोल्टेज यहां भी मिलना चाहिए। तो यहां भी अपने को वोल्टेज मिल रहा है, और ये रेजिस्टेंस भी ओपन नहीं रहना, ये भी अपने क्या है, ये ओके। और उसके बाद पीएम ऑन रीसेट चेक करें, उसके बाद फाइनली क्या चेक करेंगे भाई अपन, पीएस होल्ड के ऊपर, क्या चेक करेंगे, पीएस होल्ड के ऊपर। और उससे पहले इसका एसपीएमआई का क्लॉक डाटा भी ओके रहना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारे को ये पीएस होल्ड का मिल जाएगा। तो यहां जाके देखेंगे एसपीएमआई के ऊपर, यहां लगा हुआ है क्लॉक एंड डाटा के ऊपर, यहां अपने को दो रजिस्टर लगा हुआ है, यहां जाके देखेंगे दो रजिस्टर कहां पे है। तो यहां जाके देखेंगे, यहां देखो ये वाला रजिस्टर जो है लगा हुआ है किधर, ये ईएमएमसी के बगल में, किधर लगा हुआ है, ये ईएमएमसी के बगल में दिख रहा है इधर। तो यहां जाके चेक करेंगे, यहां अपने को कोई तो वोल्टेज दिख रहा है क्या, वोल्टेज तो कुछ नहीं है, मगर ये रेजिस्टेंस ओपन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्या रहना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ये ओपन हो गया तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। और उसके बाद फाइनली चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, लास्ट अपन पीएस होल्ड के ऊपर, क्या चेक करेंगे, पीएस होल्ड। यहां देखेंगे पीएस होल्ड के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, ये क्या है, ये एनसीए, क्या है, ये एनसीए। तो यहां जाके चेक करेंगे ये टीपी पॉइंट का बगल में, ये जो टीपी पॉइंट दिख रहा है ये टीपी पॉइंट का बगल में। तो यहां चेक करेंगे नीचे की तरफ, तो यहां जाके चेक करेंगे यहां अपने कितना वोल्टेज बन रहा है, यहां 1.8 की वोल्टेज बता, हाँ ठीक है, 1.8 की वोल्टेज आ गया, मतलब ये भी जो है अपने क्या ही है, ओके, सारा कुछ जो है अपने को ओके। अब चेक करना है मेरा, क्या चेक करना है, इतना सारा वोल्टेज है, सारा कुछ चेक कर लिया, सारा कुछ जो है, सारा वोल्टेज जो है, सारा कुछ बन रहा है। अब जाके चेक करना मेरे को सिस्टम के अंदर पोर्ट बन रहा या नहीं बन रहा, सारा वोल्टेज तो मिल गया है मेरे को, सारा चीज पीएस होल्ड भी मिल गया, पोर्ट चेक कर लेना, जैसा पोर्ट ओके फिर भी तुम्हारा फोन ऑन नहीं है, मतलब या यूएसबी से आप फ्लैश कर लिए, ठीक है, फ्लैश करके देखें, या हो सकता तुम्हारा ईएमएमसी का रिलेटेड का कोई ना कोई फॉल्ट, या सॉफ्टवेयर का फाइल का फॉल्ट हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ईएमएमसी रिलेटेड का ही काम करेंगे। समझ में आया इतना चीज, चेक कर सकते पावर सेक्शन इजिली। चलो कल देखेंगे अपन डबल पावर, ठीक है, जिसके अंदर दो पावर लगा हुआ है उसके अंदर कैसा चेक करना है, और भी बहुत सारा चीज है, मगर ये चेकिंग सीखना है, सारा कुछ सीखना है। तो यहाँ लाइव आके बैठना, जब जाके समझ में आएगा आप लोगों को, कोई भी आना चाह रहे हैं, हमारा नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है नवंबर 27 से स्टार्ट हो रहा है,
किसी को भी बुक करना है इस तरह से प्रॉपरली जो है चेकिंग मेथड सारा चेकिंग लाइवली देख के सीखना है तो आप आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।